अपने कैराबैन के लिए असिस्टेंट के लिए या अपने कपड़ों के लिए भी पैसे तक नहीं लिया मैंने कहा मैं खान साहब को अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में नहीं पासिंग करा सकता क्या कह रही हैं आप तब मैं समझ गया कि ये एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं तो मैं बड़े तहे दिल से कहूंगा कि यार मैं तो, तो आउटसाइडर हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसाइडर बन भी पाऊंगा मैंने कहा यार ऐसी बातें मत करो खाम खा मैं खाया पुलाव में घूम जाऊंगा मेरे को लगेगा कि यकीन है सर चूंकि आपने इस फिल्म का लेखन भी किया है Uh, ये फिल्म एक साइंटिस्ट के बारे में है उनकी और ना सिर्फ उनके कंट्रोवर्सी के बारे में बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में है जी फिल्म लिखने के दौरान आपके फोकस में क्या था या आपने क्या ध्यान में रखा था कि कॉमन पीपल भी इससे जुड़ सके या क्योंकि या। वो साइंटिफिक फिल्म है देखिए मैं मानता हूँ कि हम ना अपने ऑडियंस को बहुत कम क्रेडिट देते हैं क्योंकि हमारे हमारे ही साइंटिस्ट हैं जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्टों में से माने जाते हैं हम सुंदर पिक्चर तो सत्य नड़ैला ये लोग सब यहीं से गए हैं इनफैक्ट आप अगर आप देखोगे तो यू नो मेटावर्स और वेब थ्री पॉइंट हमारे लोग जो झांसी में लखनऊ में ऐसे छोटे छोटे शहरों में ये लोग हैं इनकी टोटल वैल्यू आज 15.2 बिलियन डॉलर्स माने जाती है तो इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है कि हम अपने आप को एक हाई हाउस में डालकर ये समझने की कोशिश करते कि यार इसको सरल बनाएं ताकि ये समझ जाएं सच तो ये कि हमसे बहुत ज़्यादा समझते हैं ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो हमने इतना टेक्निकली और इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बनाया है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा था आई थिंक वील हैव टू इनफैक्ट द ऑपोजिट इज़ ट्रू

और उन्हें मुझे नहीं लगा था कि वो सुन भी रहे हैं पर उन्होंने कहा कि अच्छा यार तू कुछ अलग करते रहता है वेरी हैप्पी वेरी प्राउड ऑफ यू फिर कई महीनों के बाद जब पिक्चर बन गई और मैं उनके बर्थडे पे गया तो उन्होंने कहा कि मैडी तुम्हारी वो जो रॉकेट वाली फिल्म है ना मैं उसमें एक रोल करना चाहता हूँ तुमने तो कहा बहुत अच्छी बात है सर थैंक यू वेरी मच क्या अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सीरियसली करना चाहता मैंने कहा सर थैंक यू क्या ते अरे यार कोई समझाओ मैं सीरियस हूँ तो यार मैंने कहा ठीक है सर और फिर उसके सारे दोस्त आ गए तो मैं मैं चला गया सरिता के साथ और दो दिन बाद मेरी बीवी ने कहा कि यार वो खान साहब ने आपसे कहा है जिक्र किया एटलीस्ट उनको थैंक यू तो कह दो कि वो तुम्हारे स्क्रिप्ट को आज तक याद रखें तो जब मैंने उनके असिस्टेंट को मैसेज किया कि आप कह दीजिए तो उनका फ़ोन आ गया उनके असिस्टेंट का कि मैडी खान खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए मैंने कहा यार ऐसी बातें मत करो खामा ख़वा मैं ख्याल पुलाव में घूम जाऊँगा मेरे को लगेगा कि यकीन है तो, तो उन्होंने कहा नो नो ही इज़ वेरी सीरियस मैंने कहा मैं खान साहब को अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में नहीं पासिंग करा सकता क्या कह रही हैं आप मैंने कहा एक रोल है जो इम्पोर्टेंट है उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए और फिर वो आए वो अपने कैरावैन के लिए असिस्टेंट के लिए या अपने कपड़ों के लिए भी पैसे तक नहीं लिया वो आए हिंदी और इंग्लिश में एक्टिंग की उन्होंने मुझे मतलब टोटली फ्री और मैं बहुत खुश महसूस खुशी महसूस करा था कि हमारी जो इतनी बॉन्डिंग है ये हमारे लिए मेरे लिए कर रहे हैं लेकिन जिस वक्त ये जाकर नंबी नारायण साहब से मिले और उनकी आंखों में जो मैंने आदर और प्यार देखा तब मैं समझ गया कि ये एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं एंड सेम थिंग विद विद सूर्या ही फ्लू विद इज एंटायर क्रू फ्राम चेन्नई टू बॉम्बे उन्होंने कहा कि खान साहब को डिस्टर्ब मत करो वो जब शूट कर रहे हैं उसके बाद या पहले मैं शूट कर लूंगा यू नो दैट मींस ऑफ एडजस्टमेंट ही ऑल्सो डेंट टेक एनी मनी तो अगर आप मुझे ये पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं या नहीं तो मैं बड़े तहे दिल से कहूँगा कि यार मैं तो टोटली आउटसाइडर हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसाइडर बन भी पाऊँगा लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे रहे हैं और दे ऑलवेज सपोर्टेड मी वन आई नीडेड